फ्रेंड्स, आज मैं साबूदाने का बड़ा बनाऊंगी। मैंने बारीक वाला साबूदाना लिया है, इसे मैंने भिगाया नहीं था। इसे पूरा मैंने एक बार अच्छे से धो लिया एक दो पानी में, उसके बाद इसमें हल्का सा पानी छोड़ के फिर इसे रख दिया था। तो ये फूल गए हैं और बहुत बढ़िया हो गए हैं। और चार मैंने बड़ा साइज का आलू को दो टुकड़े में कट कर लिया था छील के, उसके बाद इसे उबाला है। ये फल्ली ली है मैंने, 250 ग्राम फल्ली है ये। इसे मैंने भून लिया, रोस्ट कर लिया ड्राई रोस्ट, फिर इसे छील लिया है। अब इसे मिक्सी के जार में पीस लूँगी मैं। ये देखिए फल्ली को मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। अब चलिए हम लोग साबूदाने में डालेंगे। सबसे पहले आलू डालेंगे, आलू को इसमें मैश करते जाएंगे। इसमें मीडियम साइज की चम्मच में नमक डालेंगे, एक चम्मच, उसको भी डालेंगे। फल्ली हल्का सा दलदली रहेगी ना तो भी चलेगा, उससे बढ़िया टेस्ट आएगा क्रिस्पी। अब इसे मिक्स करेंगे। सारा सामान हमने डाल दिया है, अब इसे बस मिक्स करना है। अब हम लोग साबूदाने का बड़ा बना लेंगे। इसके लिए हम लोग हाथ में थोड़ा सा साबूदाना लेके इसे ऐसे गोल कर लेंगे। आप लोग तेल छू सकते हैं, मैं पानी से बना रही हूँ, पानी छू कर। ये देखिए मैं ऐसे बनाती हूँ इसे। ये देखिए बीच से भी पतला हो जाएगा, इसे पतला कर लें। अब इसे तेल में डालेंगे। एक साथ ज़्यादा बड़े नहीं डालने हैं, तीन बड़े डालूंगी बस मैं, नहीं तो ये आपस में चिपकता है। होते जाएगा उसको पलटते जाएंगे। गैस की फ्लेम को अपने हिसाब से रखें, मैंने फुल में रखा है।
होता है इसीलिए इसे हमेशा टिश्यू पेपर में ही रखें। तेल को निखार लेंगे, उसके बाद इसे ऐसे टिश्यू पेपर में रखेंगे। देखिए ऐसे ही सारे बड़े हम लोग बना लेंगे। इसे हमेशा गरम गरम ही सर्व करेंगे। ये हरी चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है, ग्रीन वाली चटनी धनिया पुदीना की चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हमेशा गरम गरम बना के सर्व करें, इसका आटा बना के फ्रिज में रख दें, तुरंत सर्व करें। बाद में ये नरम हो जाता है तो खाने में टेस्टी नहीं लगता है।